हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सम। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक स्नैक रेसिपी, बेगुनी। ये कोलकाता की एक फेमस स्ट्रीट फूड है, इसे बैंगन के पकोड़ा भी बोला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेगुनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा साइज़ का बैंगन। ये भरता का बैंगन जो होता है वही मैंने यूज़ किया है, और इसे छोटे बैंगन से भी ये बन सकता है। बेसन 1 कप, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, तलने के लिए तेल, तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये डीप फ्राई होगा, बैटर बनाने के लिए पानी, स्वादानुसार सॉल्ट और शुगर, कलौंजी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। पहले बैंगन को पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। देखिए, मैंने ये पतले पतले स्लाइस में कट करी है। ये इतना ही पतला होना चाहिए, मोटा होगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसको हटा के रखेंगे। अभी बैटर बना लेंगे। इसके लिए बेसन में चावल का आटा ऐड कर देंगे और कलौंजी, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे, सॉल्ट, शुगर, तीखा अपने हिसाब से आप रख सकते हो। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मिलाएंगे, हाथों से मिलाएंगे तो अच्छा होगा। इसको एक ही डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मिलाना है। जितना देर तक आप इसको फेटेंगे उतना ही बेगुनी क्रिस्पी बनेगा। मैंने इधर 5 से 7 मिनट इसको फेटा है। देखिए, बैटर रेडी हो गया है, इसका कंसिस्टेंसी ऐसा रहेगा। अब इसको तलेंगे। तो तलने से पहले बैंगन में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक मिक्स कर लेंगे। इसे बनाने के एकदम पहले ही मिक्स करें, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। इसको अच्छे से मिला लेंगे रब करके। बेगुनी को तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1.5 कप ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। देखिए, ऑयल गरम हुआ है। अभी 2 टीस्पून ऑयल बैटर में ऐड करके उसको अच्छे से मिला लेंगे। इससे बेगुनी और भी क्रिस्पी बनेगा। देखिए, ऑयल गरम हो चुका है, बेसन ऊपर आ रहा है। अभी बेगुनी को फ्राई करेंगे। एक बैंगन के स्लाइस लेके इसको बेसन में अच्छे से कोट कर लेंगे और एक्सेस बैटर को बोल में ही छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से। और फिर बेगुनी को तेल में डाल देंगे और तेल को धीरे धीरे इसके ऊपर भी छिड़केंगे ताकि ऊपर की साइड से भी ये थोड़ा सा पक जाए। और फिर इसको धीरे धीरे सावधानी से पलट देंगे। देखिए, मैंने पलट दिया है। इसी तरीके से दोनों तरफ से ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे पलट पलट के। देखिए, दोनों तरफ से लगभग फ्राई हो चुका है। और थोड़ी देर करेंगे, बस इसको निकाल लेंगे। अभी निकालने के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा काला नमक छिड़क देंगे, इससे और भी टेस्टी लगेगा। इसी तरीके से दूसरे बैंगनी को भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी पलट देंगे। ये भी बैंगनी हमारा बन चुका है। देखिए, ऐसा ही कलर आना चाहिए। इसको निकाल लेंगे। अभी इसको भी थोड़ा सा सॉल्ट छिड़क देंगे। बस रेडी हो गया बेगुनी। बारिश के मौसम में इसे गर्मा गर्म चाय और मुरमुरे के साथ सर्व करें और इसका मजा लें।
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक करें मेरे नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए। थैंक यू।